समोसा मट्ठी सब भूल जाएंगे इस स्नैक के आगे। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता गोयल्स वर्ल्ड। तो गाइस देखिए और मैं किचन में क्या कर रही हूँ, ये देखिए मैं स्नैक्स बना रही हूँ और जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ स्नैक्स बनाने की, क्योंकि कल आने वाले हैं गेस्ट। और ये देखिए मैंने किस तरीके से क्या बनाया है, कुछ अलग हटके कुछ नया करने की मैंने कोशिश की है। तो मैंने मैदा गूंद लिया था मौन लगा करके, और एक रोटी बेली है और दो रोटी बेली है मैंने, और इस तरीके से एक रोटी के ऊपर ये मैंने मसाला लगा दिया आलू का, और ये मैंने बहुत ही चटपटा मसाला बनाया है। और इस तरीके से मैंने आलू के मसाले के ऊपर लगा दिया रोटी के ऊपर, और दूसरी रोटी ली मैंने और इसके ऊपर मैंने इसको बिछा दिया अच्छी तरह से, इसको कवर कर दिया इस तरीके से। अभी दो लेयर रोटी की हो गई हैं और बीच में होगी आलू की ये स्टफिंग, और इसको अब मैं कट करूँगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अब कट कर रही हूँ, और कट करने के बाद ये कुछ अलग ही दिमाग में आया कि क्या बनाया जाए और क्या ना बनाया जाए, कि जिससे कुछ एक अलग हटके एक स्नैक हो जाए और बहुत ही अच्छा लगे। तो ये देखिए स्क्वायर रेक्टेंगल पीस मैंने काट ली हैं, और इसको अब उठा करके मैंने एक साइड को ऊपर मोड़ दिया, ऊपर से इनको अच्छी तरह से दबा दिया, प्रेस कर दिया, और एक साइड को नीचे मोड़ लिया। तो ये देखिए कितने सुंदर ये शंख का शेप बन गया है, शेल जिसको हम कहेंगे शेल, या आप शंख भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे इस तरीके से उठा रही हूँ पीसेस, और एक कोनों को दो कोनों को ऊपर ले जा रही हूँ और दो कोनों को नीचे। तो ये एक बहुत ही सुंदर शंख का शेप बन गया है, और इस तरीके से मैं सारे अब ऐसे ही मैं उठाऊंगी और इस तरीके से ऊपर नीचे करके मैं इनको फोल्ड करती रहूंगी और दबा करके इनको प्रेस करके इनको बंद करती रहूंगी। और ये कितने सुंदर शेप बन गया, बिल्कुल लग रहा है पूजा का शंख। और अब मैं एक एक करके मैं डाल रही हूँ तेल के अंदर, और अच्छी तरह से इनको ऊपर नीचे उलट पुलट करके मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, कि जिससे ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाए। तो गाइस देखिए ये एक नए तरीके का स्नैक है, अगर आप भी अगर बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मट्ठी वगैरह तो हम बहुत खाते हैं, मट्ठी खाते हैं, समोसे खाते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप का बनाएंगे तो लोग आपकी क्रिएटिविटी देख करके भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा आपको ये सब भी बनाना आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, मैंने निकाल लिए बाहर, और ये ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी कितने टेस्टी टेस्टी और कितने अच्छे शेप लग रहे हैं, और सच में टेस्टी भी बहुत है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने ही सजा करके आपको दिखा दिए कि कैसे ये लग रहे हैं, और ये सच में बहुत टेस्टी बने थे और सब ने ही तारीफ़ की है इसकी जब ही खाए हैं। तो गाइस देखिए मेरे तो ये स्नैक्स बन गए हैं जो समोसे और मट्ठी से भी ज़्यादा सुपीरियर बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं और सबकी वाहवाही लूट सकते हैं। तो गाइस मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को कविता गोयल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। बाय।